टेन भिलाई में छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा द्वारा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों में स्टेशनरी सामानों का वितरण किया गया। इस बार समिति द्वारा घरेलू काम कर जीवन यापन कर रही 5 महिलाओं को शिक्षित करने का जिम्मा भी उठाया। पूरे कार्यक्रम को लेकर संस्था की अध्यक्षा ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा विगत 3 वर्षों से शिक्षा और महिलाओं के स्वरोजगार आत्मनिर्भर पर काम करते आ रही हैं और हम लोग लगातार ये हमारा तीसरा साल है हम लोग सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं हर वर्ष बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर। और जैसा कि जो प्रथम वर्ष है हम लोग हमेशा से कुछ नया ही करते आ रहे हैं, तो जो प्रथम वर्ष था उसमें हम लोगों ने 2 गरीब लड़कियाँ जो कि घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी उनको गोद लिया और उनको 10वीं का परीक्षा दिलवाए। और जो द्वितीय वर्ष था उसमें हम लोगों ने गरीब अनाथ बच्ची जो कि कोई नहीं है उसको पढ़ाने का जिम्मा उठाया और वो पढ़ रही है। ये हमारा तीसरा साल है, इस बार हम लोगों कुछ नया करते हुए 5 महिलाओं को गोद लिया है जो कि घर का काम करती है लेकिन उनको पढ़ने की इच्छा थी, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि शाम में रात में जैसे जब भी टाइम मिले उनको पढ़ाए और उनको साक्षर बनाए।